प्रीति और विवेक को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। प्रीति के हाथ में दर के सामान की लिस्ट थी जो अभी विवेक के घर से लेना था, और विवेक के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो प्रीति से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि विवेक 10 लाख रुपए की राशि प्रीति को चुकाएगा। प्रीति और विवेक दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर विवेक के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही प्रीति को करनी थी, इसीलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी आखिरी बार। बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे, बस 3 प्राणी बचे थे, विवेक, प्रीति और प्रीति की माताजी। विवेक घर में अकेला ही रहता था, माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। प्रीति और विवेक का इकलौता बेटा जो अभी 7 साल का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह प्रीति के पास ही रहेगा। विवेक महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको प्रीति ने, एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे अपने घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से विवेक ने उसके सपनों को पूरा किया था। विवेक थकाहारा सा सोफे पर पसर गया, बोला, ले लो जो भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रुकूंगा। प्रीति ने अब गौर से विवेक को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का, घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था विवेक, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी, फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर विवेक के भाई भाभी और उधर प्रीति की माँ, नौबत कोर्ट तक जा पहुँची और तलाक हो गया। न प्रीति लौटी और न विवेक लेने गया। प्रीति की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान, इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। प्रीति को न जाने क्यों विवेक को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम खड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। प्रीति ने सिर्फ अपना सामान लिया, विवेक के सामान को छुआ भी नहीं। फिर प्रीति ने विवेक को गहने से भरा बैग पकड़ा दिया। विवेक ने बैग वापस प्रीति को दे दिया, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों, कोर्ट में तो तुम्हारा वकील इतनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई प्रीति, वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया था। सुनकर प्रीति की माँ ने नाक भो चढ़ाई, नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों कहकर विवेक सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही प्रीति ने मुंह फेर लिया, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है कैसे काटूंगी, ले जाओ काम आएंगे। इतना कहकर विवेक ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। प्रीति की माँ जी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। प्रीति को मौका मिल गया, वो विवेक के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की कोशिश कर रहा हो। प्रीति ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा, न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई, सादे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक। मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे। मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने, जब भी फोन किया काट दिया, घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। प्रीति की माँ आ गई, वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके,
अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। प्रीति के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था, वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और विवेक ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शरीर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पेड़ पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी, उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बड़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। विवेक बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी, उन फोटो पर गई जिनमें वो विवेक से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर फिर उसे ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। प्रीति सुनसी बैठी थी। विवेक गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक विवेक कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। प्रीति ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई विवेक से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी प्रीति की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। दोनों का खत्म न होने वाला प्यार फिर से जाग उठा और दोनों परिवार फिर से एक साथ अच्छे से रहने लगे।